कुक विद मानसी को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब बटन दबा के और बेल आइकन प्रेस करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानसीज किचन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि लेफ्ट ओवर केक बॉल्स हम घर पे किस तरह से बना सकते हैं। जब भी हम कभी केक की आइसिंग करते हैं और उसकी ट्रिमिंग करते हैं, उसके बाद काफ़ी केक बच जाता है। आज हम उसी केक को इसमें यूज़ करेंगे और आप देखेंगे बहुत ही टेस्टी बॉल्स बन के तैयार होती हैं। तो सबसे पहले हम मिक्सिंग बाउल लेंगे, जिसमें हम केक के पीसेस ले लेंगे। अगर आपके पास वनीला केक है तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई भी फ्लेवर का केक आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से हम केक क्रम्स बनाएंगे। ध्यान रहे, इसमें केक का कोई भी बड़ा पीस नहीं रहना चाहिए। इसके बाइंडिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 2 टेबल स्पून मिक्स फ्रूट जैम। आप किसी भी फ्लेवर का यहाँ पे जैम यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो आप सिर्फ जैम भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास अगर जैम नहीं है तो आप सिर्फ कंडेंस्ड मिल्क भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसका हमने एक डो बना लिया है। अब इस तरह से हमें बॉल्स बनानी है। सभी बॉल्स हम एक ही साइज़ की बनाएंगे। इसको हम डिप करेंगे मेल्टेड चॉकलेट में। आप चाहें तो इसे वाइट चॉकलेट में भी डिप कर सकते हैं। जितनी एक्स्ट्रा चॉकलेट है इसको इस तरह से निकाल दें। और इसको हम डेकोरेट करेंगे कलरफुल स्प्रिंकलर्स के साथ। बहुत तरह के स्प्रिंकलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आपके पास ये स्प्रिंकलर्स नहीं हैं तो आप सिर्फ इसे चॉकलेट में डिप करके भी सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। और इनको हम फ्रिज में रखेंगे 5 से 10 मिनट के लिए, जिससे चॉकलेट सेट हो जाएगी। थोड़ी सी केक बॉल्स को हम कोको पाउडर के साथ भी अच्छी तरह से कोट कर देंगे। तो अब केक बॉल्स हमारी एकदम सेट हो गई हैं, इनको सर्व कर देते हैं। तो हमारी लेफ्ट ओवर केक बॉल्स बनके रेडी हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में बहुत ही यम्मी लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे ज़रूर प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।